नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। यूपी की योगी सरकार ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पेश करने से पहले विपक्षी दलों का हंगामा देखने को भी मिला। विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। पेश हुआ 7000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बुधवार को विधानसभा में 7301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ये 7000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 5,50,000 करोड़ के वार्षिक बजट का 1.33% है। उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा अनुपूरक बजट है और इसमें खासतौर पर उन बातों पर ध्यान दिया गया है जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी किसी योजना को पूरा करने के लिए है। युवाओं और किसानों पर दिया ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें कुछ नई मांगे भी हैं, खासतौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ने मूल का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि, आंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं तथा चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गौवंशीय पशुओं का रखरखाव और अयोध्या में सुविधाओं और पार्किंग की व्यवस्था, साथ ही साथ मूलभूत ढांचा में वृद्धि जैसी कुछ मुख्य बातें अनुपूरक बजट में शामिल हैं। खन्ना ने कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा तो कल होगी, लेकिन हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि 4.5 साल की सरकार में जनता का नजरिया बदला है। लोक दृष्टि सबसे बड़ा मानदंड होता है किसी भी सरकार के मूल्यांकन का, और आज जनता की आवाज की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं और पुराने कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये मात्र 1.33% का अनुपूरक बजट है। अगर बिना चर्चा के ही सभी से पारित कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन विपक्ष को ये बजट कुछ खासा रास नहीं आया। और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये राज्य की जनता का दिल दुखाने वाला बजट है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राज्य की जनता के लिए इस बजट से उम्मीदें कम ही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार की घोषणाओं को कागजी घोषणा करार दिया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को सुझाव। मायावती ने ट्वीट करते हुए पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संगठनों में घिरी गरीबी और मेहनत कष्ट जनता के लिए उम्मीदों का कम और दिल दुखाने वाला ज्यादा है। अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलती। बीजेपी की कागजी घोषणाएं। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की वित्तीय व्यवस्था का भी हवाला दिया। मायावती ने लिखा कि वैसे भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुंध वादे और घोषणाएं किए हैं, उसके अनुसार बजट का सही प्रबंध नहीं होने से वो कागजी घोषणाएं ही बनकर रह जाएंगी। जबकि बीएसपी सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी था। यही असली फर्क है बीएसपी और अन्य में। ये अनुपूरक बजट भी जो पिछला मुख्य बजट था 5,00,000 करोड़ से ज्यादा का, उसी तरीके से सिर्फ झुंझुना साबित हुआ। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि रोजगार को लेकर कोई प्रबंध सरकार, ठोस मजबूत प्रबंध इस बजट में करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। उत्तर प्रदेश के महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि सरकार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर कुछ बजट में प्रावधान होंगे, लेकिन वो भी हवा हवाई साबित हुआ। सबसे ज्यादा अगर निराशा हाथ लगी है तो उत्तर प्रदेश के अन्नदाता को, किसानों को, जो लगातार गन्ना का जो बकाया है 12,000 करोड़ रुपया, उसके भुगतान की मांग कर रहा है। उसके साथ साथ गन्ने की एमएसपी को लेकर, बढ़ाए जाने को लेकर उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में कुछ प्रावधान करेगी, लेकिन वहां भी सिर्फ धोखा मिला। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अनुदेशक, जिनको बड़ी उम्मीद थी अनुपूरक बजट से कि उनके मानदेय को बढ़ाए जाने को लेकर सरकार हो सकता है कुछ करे, लेकिन वहां भी सिर्फ धोखा मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की विरोधी साबित हो चुकी है। जिस अनुपूरक बजट को उम्मीद की जा रही थी कि 30,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है,
वो सिर्फ और सिर्फ 7300 करोड़ का पेश करके सरकार ने अपना जन विरोधी चेहरा जनता को दिखा दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इस अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब किताब कर सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। आज प्रदेश सरकार के द्वारा 7301 करोड़ की अनुपूरक बजट को का प्रस्तुतिकरण विधानसभा में किया गया, जिसमें सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार पर, युवाओं के रोजगार पर, आशा बहुओं के उत्थान पर, वकीलों के लिए और काफ़ी लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के लिए इस बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके पहले 5,50,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था माननीय मंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसका ये बहुत कम हिस्सा है, जिसमें बहुत ही जो आवश्यक जन कल्याणकारी योजनाएं, जो चीज़ें रुक रही थी उन पैसे के अभाव में, उनके लिए ये बजट प्रस्तुतिकरण किया गया, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतर काम किया है इस सरकार ने। और जितने जनहित के मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो छूट रही थी, रोजगार का सृजन करना आवश्यक था, तो 3,000 करोड़ से ऊपर क्या बजट जो इसमें रखा गया है वो युवाओं को रोजगार के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो कि आज कर्मयोगी के खिताब से नवाजे जा चुके हैं और जिनको प्रदेश की 23 करोड़ जनता एक कर्मयोगी कहती है कि इस कर्मयोगी के अलावा दूसरा कोई अगर होता तो आज प्रदेश में बहुत ही भयावह स्थिति होगी। लेकिन आज मान लीजिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, देखिए कितने मेडिकल कॉलेज आज 30 से ऊपर मेडिकल कॉलेज आज पूरे प्रदेश में हैं, जो कि पहले आज 12 मेडिकल कॉलेज से प्रदेश का काम चलता था, कितने डॉक्टर बढ़ेंगे, ये सब उत्तर प्रदेश में माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और कुशल नेतृत्व में ये सफलतम कार्य किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस बजट का बहुत बेहतर परिणाम। गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पेश करने से पहले विपक्षी दलों का हंगामा भी देखने को मिला। विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने भी प्रदेश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर कहते हुए वो नजर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। सिलेंडर पर तेल कंपनियों की ओर से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। एलपीजी की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 859 रुपए हो गए हैं। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इस साल 165 रुपए की हो चुकी है बढ़ोतरी। जून के महीने में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 809 रुपए थी, जो कि 1 जुलाई को बढ़कर 834 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 1 जनवरी से लेकर आज तक की बात करें तो इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 165 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किस शहर में कितने रुपए में मिलेगा सिलेंडर? कीमत बढ़ने के बाद कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 886 रुपए में मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 849.5 रुपए होगी। वहीं लखनऊ में 897.5 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। हर महीने होती है कीमतों की समीक्षा। बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है और उसके बाद कीमत बढ़ाने या घटाने पर निर्णय लेती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इस कारण इसकी कीमतों में थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। बता दें कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार ग्राहकों को एक साल में 12 घरेलू सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है। अगर कोई ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर खपत करता है तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना होता है। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है।
उधर एलपीजी सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने भी टेंशन और बढ़ा दी है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर हमला करने से चूक नहीं रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रियंका ने बुधवार को एक ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका ने एक ट्वीट कर कहा, 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया, 17 अगस्त को फिर 25 रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। बता दें कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 859.5 रुपए का होगा। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पिछले दिनों जोरदार हंगामा देखने को मिला था। उच्च सदन में 11 अगस्त को हुए हंगामे के दौरान पुरुष मार्शल पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेतम बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावुक होकर रो पड़े। उन्हें पुरुष मार्शल पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि इससे पहले 11 अगस्त की शाम करीब 6 बजे संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पारित होते ही राज्यसभा में हड़कंप मच गया, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों में सदन के अंदर विपक्षी सांसदों के भारी विरोध के चलते माहौल गर्मा गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस संशोधन विधेयक की कॉपी फाड़ दी गई और इसके बाद बड़ी संख्या में मार्शलों को बुलाया गया। महिला सांसदों ने उन पर हाथापाई का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल लेकर आई थी, जबकि विपक्षी दल इसे चयन समिति के पास भेजने की मांग कर रहे थे। जैसे ही ये बिल सदन में रखा गया, सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया और बिल की कॉपी फाड़ दी। उसके बाद पेपर सबमिट पात्रा के ऊपर फेंक दिया गया और उस वक्त वही सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद मार्शल को बुलाया गया ताकि विरोध कर रहे सदस्यों को रोका जा सके। इस दौरान कई महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि पुरुष मार्शलों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और देवी नेतम ने यह दावा किया था कि मार्शलों ने उन्हें धक्का दिया। नेतम कहती हैं कि वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और जब हम विरोध कर रहे थे तो उन्होंने धक्का दिया, जिसकी वजह से हम गिर गए। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा में भारी हंगामे को लेकर 7 मंत्रियों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने नायडू से मुलाकात की और विपक्षी सदस्यों के कृत्यों को अभूतपूर्व और हिंसक बताया। मंत्रियों ने इसे संबंध में सभापति को एक ज्ञापन भी सौंपा। नायडू के साथ बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने सदन में मार्शलों को उनका काम करने से रोके जाने का भी जिक्र किया था। तो ये वीडियो है आज का जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब भावुक होती हुई ये सांसद नजर आई हैं। देखिए नीचे मुंह कर यहाँ पर आंसू इनकी आंखों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। संसद का ये पूरा मामला है पिछले दिनों का। 11 अगस्त का ये वीडियो आप देख सकते हैं, 11 अगस्त का वीडियो जिसमें काफ़ी संख्या में धक्का मुक्की होती हुई नजर आई थी। सांसद जो है यहाँ पर पर्चे फाड़ते हुए नजर आए थे। दरअसल केंद्र सरकार राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल लेकर आई थी, जबकि विपक्षी दल इसे चयन समिति के पास भेजने की मांग कर रहे थे। जैसे ही बिल सदन में रखा गया, सांसदों ने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध के बाद इतना हंगामा हुआ कि पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी थी और बिल की कॉपी फाड़ दी गई। उसके बाद पेपर समित पात्रा के ऊपर फेंके गए, उस वक्त वही सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद मार्शल को बुलाया गया ताकि विरोध कर रहे सदस्यों को रोका जा सके। और इसी दौरान कई महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि पुरुष मार्शलों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। हालांकि धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और देवी नेतम ने यह दावा किया कि मार्शलों ने धक्का दिया। नेतम कहती हैं कि वे बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे और जब हम विरोध कर रहे थे उन्होंने धक्का दिया, जिसकी वजह से हम गिर गए। वीडियो में भी लगातार आप देख रहे हैं कि बाद में उस पर उसका जिक्र करते हुए वो भावुक होती हुई नजर आई हैं। धक्का मुक्की की ये वीडियो जो है वो 11 अगस्त का है जो सामने आया था। किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा में भारी हंगामे को लेकर 7 मंत्रियों ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। सूत्रों ने बताया था कि मंत्रियों ने नायडू से मुलाकात की और विपक्षी सदस्यों के कृत्यों को अभूतपूर्व और हिंसक बताया।
मंत्रियों का कहना है कि संबंध में सभापति को एक ज्ञापन भी सौंपा। नायडू के साथ बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने सदन में मार्शलों को उनका काम करने से रोके जाने का भी जिक्र किया था। यूपी के बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश देते हुए कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा में कोई ढील या लापरवाही ना बरती जाए। दरअसल यूपी के विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई के लिए एमपी एमएलए स्पेशल सेल कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान अंसारी ने अपनी हत्या होने की आशंका जताई थी जो लगातार कुख्यात बना और लगातार गैंगस्टर बना। वो अपनी हत्या की चिंता जता रहा है, उनकी आशंका जता रहा है। वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जेल के कैदियों को उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी जा रही है। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने कोर्ट से उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की। वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए कैदियों को सुपारी दी गई है और कहा गया है कि जो भी उनकी हत्या करेगा उसके घर 5 करोड़ रुपए पहुंचा दिए जाएंगे, साथ ही उस पर दर्ज सारे केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दे दिया था। और इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और वहां पर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। क्या कुछ वहां पर दृश्य था और क्या कुछ कहा गया, सुनिए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 2 दिन पहले बाराबंकी कोर्ट में पेशी हुई थी। बांदा जेल से मुख्तार अंसारी वर्चुअल में यहां पर बाराबंकी कोर्ट में पेश हुआ था और उसने बांदा जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्तार अंसारी का कहना था कि बांदा जेल के अंदर कुछ संदिग्ध लोग आ रहे हैं जिनकी एंट्री भी द्वारा नहीं की जा रही है और जब वो लोग आते हैं तो सीसीटीवी का रुख मोड़ दिया जाता है। और उसने ये भी बताया था कि उसकी हत्या की जा सकती है और इसकी हत्या की सुपारी 5 करोड़ की जो है यहाँ पर दी गई है और जो भी कैदी इसकी हत्या करेगा उसके यहाँ पर केस खत्म कर दिए जाएंगे और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फिलहाल बाराबंकी कोर्ट ने इन सभी मामलों का संज्ञान लिया है और बांदा जेल प्रशासन को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बांदा जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पहले से जो सुरक्षा थी उसको और भी बढ़ाया जाए, किसी प्रकार की मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में कोताही ना बरती जाए। प्रेम के साथ न्यूज ऑल इंडिया बाराबंकी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, क्या है एम्बुलेंस का मामला। पंजाब की जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी ने जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था उसका मुकदमा बाराबंकी नगर कोतवाली में दर्ज हुआ था। इस मामले में मऊ के अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय, शेषनाथ राय, मोहम्मद सैयद, मुजाहिद, राजनाथ यादव, आनंद यादव, शाहिद, सुरेंद्र शर्मा और अफरोज सहित एम्बुलेंस ड्राइवर सलीम को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। इस मामले में अभी भी 2 लोग फरार हैं, पुलिस ने उन पर इनाम भी घोषित किया हुआ है। कांग्रेस की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग मसलों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मेघालय का जिक्र कर उसके ताजा हालातों की तुलना अफगानिस्तान से कर दी है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अस्थिरता, हिंसा, टकराव, कानून व्यवस्था का टूटना, ये सब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी हो रहा है जिसको दिखाया नहीं जा रहा। रणदीप सुरजेवाला ने असम, मिजोरम संघर्ष और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का जिक्र किया और कहा है कि एक के बाद एक प्रांत टकराव हिंसा में झोंका जा रहा है। वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के बिगड़े हालात देखते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सच सरकार हमसे छिपाती रही है और अब भी छिपा रही है। नॉर्थ ईस्ट की हालत के बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं
एक और उत्तर पूर्व के प्रांत जो मेघालय में जो हुआ और जो हो रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बीजेपी का हिस्सा है। पूरे देश ने देखा, टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 और बंदूकें हाथ में लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर तालिबान जैसे काले झंडे लेकर मुंह पर काले कपड़े पहनकर उग्रवादी बंदूकें दिखाते हुए शिलोंग राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने तक गए, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस के एन मौके पर 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। शिलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। और कल क्या हुआ, 17 अगस्त 2021 को जब मेघालय के गवर्नर, जो भारत सरकार की अथॉरिटी के सबसे बड़े चिन्ह हैं, जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी, उनके कारकेड पर भी, कॉन्वॉय पर भी पत्थर बरसाए गए। पर मोदी सरकार कहां है? देश के गृहमंत्री कहां गुम है? क्या कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह एक शब्द भी कहने से इनकार कर रहे हैं? क्या यह संवैधानिक ढांचे का क्षीण भीण हो जाना नहीं है, टूट जाना नहीं है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात बन जाएंगे कि गवर्नर सड़क पर सफर नहीं कर सकते, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रदेश की राजधानी में AK-47 दिखाते हुए, लहराते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे? और ये छदम राष्ट्रवादियों की सरकार है। टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर सच्चाई यही है। तीसरा पहलू यह है, उत्तर पूर्व के तीन प्रांतों की बात, अब चौथे पर आ जाइए, नागालैंड। नागालैंड में जो पीस प्रोसेस है और नागा पीस अकॉर्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े शानो शौकत से अगस्त 3, 2015 को साइन किया था और कहा था अब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, नागालैंड में पीस प्रोसेस जो है वो चकनाचूर होकर गिर गया है। NSCNIM, जिनसे ये समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो भारत सरकार के शांति दूत और नागालैंड के गवर्नर RN रवि को पहचानने से ही इनकार करते हैं। क्या कोई संगठन किसी प्रदेश में भारत सरकार के नुमाइंदे, भारत सरकार के अपॉइंटेड इंटरलोक्यूटर उसको पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर सकता है? और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि NSCNIM बार बार कहता है कि मोदी जी ने जो अगस्त 3, 2015 को समझौता उनसे दस्तखत किए थे वो भारत के संविधान से बाहर है, भारत के संविधान की परिधि में ही नहीं है, वो तो शेयर्ड सोवरेनिटी का है, यानी उनका देश और हमारे देश का कोई शेयर्ड समझौता होगा, हमने तो ये बात मानी नहीं। पर अब NSCNIM ने उस पीस एग्रीमेंट की कॉपी रिलीज कर दी है और कहा है कि अलग झंडा, अलग संविधान और दो देशों के बीच समझौता। क्या कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई गृह मंत्री, क्या कोई सरकार हिंदुस्तान के संविधान के
बाहर जाकर समझौता कर सकता है? और इस 14 अगस्त को तो हद हो गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।